one was proper noun and the second one was common noun. So generally, naming verbs are called nouns. Chinese is a picture, same places, same persons, same things, same या फिर emotions जो हैं, ideas जो हैं, materials हैं. So the last type of noun is material noun. Material मतलब कोई भी matter. A kind of substance refers to solid, liquid or gas. ठीक है, तो a name of a material of which a thing is made, जिससे कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनाई जाती है. और कोई भी तरीके का substance जो है वो हो सकता है, चाहे वो liquid form में हो, solid form में हो या फिर gas form में हो. जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, चॉकलेट हो गई, चॉकलेट हो गई, देन आप कह सकते हो बार हो गया, ठीक है. सो मटेरियल नाउन जो है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल. ठीक है, अब जो काउंटेबल नाउन है, उन मटेरियल है, उनमें हम किन चीज़ों को गिनते हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गई, ठीक है. और अनकाउंटेबल में हम किन्हें काउंट करते हैं, जैसे शुगर है, वाटर है, मिल्क हो गया, एज आई सेड चॉकलेट हो गया. सो इस तरीके से नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड, जिससे कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनाई जाती है. और अल्टीमेटली जो है हम क्या करते हैं, उसे दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, वन इज काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज हमारी अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, जैसे कि हम अगर लिखें दैट शुगर इज नीडेड टू मेक स्वीट डिश, शुगर इज नीडेड टू मेक स्वीट डिश. यहाँ पे ये जो शुगर है, फर्स्ट थिंग, ये एक मटेरियल नाउन है. और मटेरियल नाउन में भी कौन सा है, अनकाउंटेबल. क्यों? क्योंकि शुगर को हम वेट कर सकते हैं बट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में काउंट नहीं कर सकते. इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लास, तो 1 glass, 2 glass, 3 glass, 4 glass मैं काउंट कर सकती हूँ. ठीक है, सो ये था हमारा मटेरियल नाउन. तो नाउन्स आर मेनली ऑफ 5 kinds, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन वी हैव रेड अबाउट कलेक्टिव नाउन्स, देन वी हैव रेड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द 5th one वॉज मटेरियल नाउन. तो दिस इज इट फॉर टुडे. इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच एवरीवन.